केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण केराना जैसी घटनाएं घटित हुई। केराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी, और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी।